नमस्कार अपना देखते 24 घंटा इंडिया टीवी अरूप चक्रवर्ती देखे नीन आज के विशेष प्रतिवेदन। सीधे सीधे लाइव तस्वीर देख पा रहे हैं 24 घंटा लाइव के माध्यम से। अब भी प्रशासन इस लाइव वीडियो को देखकर या फिर हमारे खबर को देखकर कहीं ना कहीं से आए और किसी प्रकार से इसका सुझाव निकाला जाए, नहीं तो रास्ते पर जिस प्रकार का अवरोध आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ है और आप तस्वीर देख पा रहे हैं, किसी भी पार्टी का कोई भी यूनियन का सामान जो वो बाहर के रास्ते में बिखरा पड़ा हुआ और चल रहा है। उनको लेने का आज नहीं हो रहा था पूरे भाटपाड़ा में, चारों तरफ आग जनी की घटना, कौन है इसका दाई, आखिर सवाल तो उठेगा ही। आइए और बंद के बाद बिल में काम करने के लिए जैसे टाइमली आते हैं, सुबह 6 बजे आए हैं, अब आते देखते हैं गेट पर ताला लगा हुआ है, मैनेजमेंट मिल खोल नहीं रहा, गेट खोल नहीं रहा है, बंसी तक बंद कर दिया है, नोटिस मार दिया, वर्क ऑफ सस्पेंस, क्या कारण से नोटिस मारा है, क्या वजह है, मैनेजमेंट कोई बात करने को तैयार नहीं है, मैनेजमेंट ताला मार के घर में सो गई है, ग्रेच्युटी का पैसा भी नहीं दे रहा, ग्रेच्युटी का बात था, ग्रेच्युटी इस महीना देने का बात था, वो भी खत्म हो गया, कोई मिल बंद करके डिमांड को ही बंद कर दिया है। आप बताइए हम लोग 6,000 मजदूर 5,000 मजदूर कहाँ जाएंगे, हर ईवीएम मिल ऐसा हो गया हर 3 महीना 4 महीना पर बंद हो जा रहा है, यहाँ की सरकार यहाँ इलेक्शन में आती है, बड़े बड़े हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, बड़े बड़े नेता आए आश्वासन दिए आप लोग हमें वोट दीजिए और हम लोगों को मिल सुचारू रूप से चलाएंगे, ग्रेच्युटी देंगे, हमने वोट दिया, सारे मजदूरों ने वोट दिया, क्या मिला,
मजदूर क्या चाहता, वोट दे, हम दो हाथों को काम चाहिए, रोजी रोटी चाहिए। लेकिन जैसे ही हमने वोट दिया, मिल बंद हो गया, हमें बेकार कर दिया गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग रोड पर खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस हमें लाठी मार के हटा दे रही है। ये बंगाल पुलिस तो पूरा मैनेजमेंट का दलाल हो गया है। सरकार भी तो कुछ सोच नहीं रही हम लोग बारे में। अभी तक 6-6 यूनियन है, कोई भी नेता मंत्री या नेता यूनियन का कोई हमें हमारा सुध लेने तक नहीं आया है। 2 घंटे से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्ण से, कोई यहाँ पर हमें देखने तक नहीं आया कि मजदूर का क्या हाल है। धूप में हम लोग रोड पर खड़े हैं, किसी ने हमारा सूद नहीं लिया और पुलिस हमें लाठी मार के हटा दिया है रोड पर। अब हम लोग 5,000 मजदूर कहाँ जाएंगे भूखे? अब हर हाथ को काम कहाँ से मिलेगा? क्या इसीलिए दिन के लिए हमने वोट दिया था? वोट देने का मतलब क्या? हम भी तो यहाँ का नागरिक, हमने वोट दिया सिर्फ हर किसी को रोजी रोटी मिले, हर किसी का कल कारखाना सुचारू रूप चले। जैसे ही वोट दिया कारखाना बंद, ये क्या बात हुई? वोट लेने दिन के दिन आए, बड़े बड़े वादे किए, आज वोट खत्म, सब खत्म। ये तो मतलब ही सरकार हो गई यहाँ की। आपका नाम क्या है भैया? राकेश साहब, मैं रिलायंस जूट मिल का। एबार समस्त जूट मिले जूट क्राइसिस है, कोई मिलर मालिक जूट जोगाड़ करते পারছে না, তার জন্য ওই কারখানাটা বন্ধ করেছে। এবার কিছু ওখানে অসাধু শক্তি আছে যারা এইসব করে আরও ক্ষতি মিলটা যাতে ক্ষতি হয়। সকাল কালকে শোনার পরে আমরা চেষ্টা উনি বলেছিলাম, ও পার্ট কিছু জোগাড় করেছিল, আজকে সাসপেন্স অফ নোটিশ ওয়ার্কের নোটিশ দিয়েছে, কিন্তু কিছু লোককে দিয়ে ও নিজেই ম্যানেজমেন্টের লোকেরাই কিছু লোককে দিয়ে সামনে নিয়ে এসে এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়ে দিল যাতে মিলটা আর না চালায়। আজকে সব ইউনিয়নের ইউনিয়ন অফিস ভেঙে দেওয়ার কী মানে হচ্ছে? ইউনিয়ন অফিস ভেঙে দিলে তো মিল চলবে না, আর মিল চালানোর যে যার দায়িত্ব ম্যানেজমেন্ট, সে তো মিল চালাবার দায়িত্ব আপ সরকারি দলকে। এখনও তো পশ্চিমবাংলা তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আছে, ওখানে কিছু জেহাদিরা আছে যারা সবসময় ওখানে মাতাবরি করে, আজকে সেই জেহাদিরা এইসব কাজগুলো করল। প্রত্যেকটা রাজনৈতিক পার্টি ধ্বংস, সেটাই তো বলছি, প্রত্যেকটা পার্টি অফিস না, ওটা ট্রেড ইউনিয়ন, প্রত্যেকটা ট্রেড ইউনিয়ন অফিসটাকে ভেঙে দিয়েছে। এই ট্রেড ইউনিয়ন অফিসকে ভেঙেছে, আবার এই ট্রেড ইউনিয়ন অফিসের ট্রেড ইউনিয়ন লোকেদের কাছে কালকে যেতে হবে। তো এর মধ্যে মিলের লোক খুব কম, যারা ভেঙেছে সব নয়া বাজারের জেহাদিরা ভেঙেছে, আর কেউ না। আজ এ পর্যন্ত, সঙ্গে রাখুন 24 ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভি, দেখতে থাকুন সব জেলার সব খবর, সবার আগে 24 ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভির পর্দায়। নমস্কার।